श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है आप सभी के लिए। देखिए, अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है और आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो और माता लक्ष्मी जी का सदैव आपके घर में वास रहे, तो देखिए आज है चतुर्थी का बहुत ही पावन और विशेष दिन। और देखिए, जो चतुर्थी तिथि होती है ना, वो किसको समर्पित होती है? वो गणेश जी को समर्पित होती है। और जो गणेश जी होते हैं वो रिद्धि सिद्धि के दाता, बल बुद्धि विद्या के दाता होते हैं। देखिए, गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संकट हैं, परेशानियाँ हैं, तो आपको जो विघ्नहर्ता है ना, यानी कि गणेश जी, ये आपके विघ्नों को हर लेते हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि करते हैं और आपके जीवन के समस्त दुखों को हर लेते हैं। तो देखिए, आपको इसीलिए इस दिन करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी का सदैव आपके घर में वास बना रहे और आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ हैं, जो आपके जीवन में उत्पन्न हो रखे हैं, वो समाप्त हो जाए, तो आपको चतुर्थी तिथि पर बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा विशेष ये उपाय है। आपको मात्र तुलसी जी की जड़ में एक विशेष चीज़ को डाल देना है और आपके जीवन की जो भी परेशानियाँ होंगी, जो भी आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई परेशानियाँ होंगी, वो दूर हो जाएंगी और आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास होगा। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में कि ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है। आपको समझना है बड़े ध्यान से। तो देखिए, ये उपाय किन लोगों को करना है, पहले तो हम वो जान लेते हैं। तो ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है, तो देखिए, जिनके जीवन में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं है, जिनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, धन की घर में बढ़ोतरी नहीं हो रही और बार बार कर्ज लेने जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो जीवन में कभी भी आपको कर्ज जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े और सदा जीवन में माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिले, तो आपको करना है ये सुंदर सा उपाय। और देखिए, ये उपाय आपको कब करना है, ये आपको जब भी चतुर्थी तिथि आती है ना, उस दिन आपको ये उपाय करना है, क्योंकि ये चतुर्थी तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष होती है। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं कि हमें इस उपाय के लिए क्या क्या सामग्री लेनी है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। अब देखिए, ये दीपक आप आटे का बनाना चाहते हैं तो आप आटे का भी बना सकते हैं, नहीं तो आप माटी का भी दीपक ले सकते हैं। यदि आटे का बनाते हैं तो देखिए, बिना नमक का आपको आटा गूंदना है और उससे आपको दीपक तैयार कर लेना है। नहीं तो अगर आप माटी का लेना चाहते हैं तो आप माटी का भी दीपक ले सकते हैं। तो ठीक है, आपको दीपक ले लेना है। अब इस दीपक के अंदर आपको सबसे पहले कौन सी बाती लगानी है, इसमें लगानी है आपको लंबी बाती। जी हाँ, लंबी बाती लगा ली। इसके बाद आपको इसके अंदर भरना है गौ माता का घी, यानी कि गौ माता का घी हो तो अच्छा ही है, उत्तम है, नहीं तो आप देसी घी जो नॉर्मल मिलता है ना, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तेल का उपयोग नहीं करना, ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए, हमने एक दीपक तैयार कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसी के साथ आपको एक तांबे का पात्र लेना है और इसके अंदर आपको जल भर लेना है, ठीक है ना। तो एक तांबे के पात्र में आपने जल भर लिया। अब देखिए, इसी के साथ आपको क्या लेना है, एक चुटकी आपको हल्दी ले लेनी है, ठीक है ना। देखिए, अगर आप जो गांठ वाली हल्दी आती है ना, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो ये सर्वोत्तम होता है, उत्तम होता है बहुत ज़्यादा ना, कि आप उस गांठ वाली हल्दी को पीस करके उसका पाउडर फॉर्म में उसे तैयार कर लेना है और हमेशा आपको उसी का ही फिर प्रयोग करना है। एक बार पीस के रख लो, फिर आप उसका उपायों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एक चुटकी हल्दी ले लेनी है, ठीक है ना। अब देखिए, इसी के साथ आपको क्या लेना है, अब लेना है आपको गुड़। और देखिए,
गुड़ ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा डाल लो, नहीं। इस गुड़ का भी गुरुजी ने एक नियम बताया, या तो आप इस गुड़ को एक लीजिए एक टुकड़ा, या आप तीन लीजिए, या आप पांच लीजिए, या फिर आप सात लीजिए, यानी कि इन्हें इस क्रम में ही आपको गुड़ को लेना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो आपने एक गुड़ लिया उसमें से थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया, नहीं, एक टुकड़ा पूरा लेना है, ठीक है ना। तो आपने एक टुकड़ा गुड़ का ले लिया, तो देखिए अब ये सारी सामग्री आपने ले ली ना, अब देखिए आपको क्या करना है। जैसे आप स्नान ध्यान से नियमित हो जाएंगे तो आज के दिन हो सके तो आप सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना। तो देखिए ये उपाय आपको आपके ही घर में जहाँ कहीं भी तुलसी माता जी है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है ये सारी सामग्री को लेकर के, और वहीं पर आपको आज के दिन ये उपाय करना है। तो देखिए आप तुलसी माता के पास आ गए, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके अपना आपको खड़े हो जाना है, यानी वहीं पर तुलसी माता जी के यहाँ खड़े हो जाना है, ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जो आप लंबी वाती का जो दीपक लेके आए थे ना, सबसे पहले आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब देखिए आपने दीपक को प्रज्वलित कर दिया, अब दीपक की जो बाती है ना उसका मुख आपको किस साइड रखना है, तो ये मुख रखना है आपको दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है ना। तो आपने प्रज्वलित कर दिया और दक्षिण दिशा की ओर जो दीपक है उसका मुख कर दिया। तो देखिए अब आपको क्या करना है, जो आप एक तांबे का लोटा लेके आए ना जिसमें जल भर रखा है आपने, तो इसमें आपको सबसे पहले एक चुटकी हल्दी जो लेके आए ना वो आपको इस पात्र में डाल लेना है। फिर इसके बाद आपको जो एक गुड़ का टुकड़ा है वो भी आपको इस जल के पात्र में डाल लेना है। तो देखिए आप जब डालोगे ना ये हल्दी, एक चुटकी हल्दी और आप गुड़ का टुकड़ा, तब आपको महालक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना है। जैसे ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ईदम अक्षदम ओम महालक्ष्मी नमः, यानी माता लक्ष्मी जी का आपको कौन सा भी मंत्र आता है उसका आपको जाप करते हुए इस प्रकार से लोटे के अंदर डाल लेना है, ठीक है ना। उसके बाद ये लोटे को आपको अपने हाथों में पकड़ना है दोनों हाथों में, और उसके बाद आपको महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हुए, ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको ये पूरा एक लोटा जल तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देना है। धीरे धीरे समर्पित करना है और आपको माता लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते हुए, तो एक लोटा पूरा जल आपको आज के दिन यानी कि चतुर्थी तिथि पर तुलसी मैया की जड़ में अर्पित कर देना है। देखिए इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है इस चतुर्थी तिथि पर, धन से जुड़ी हुई परेशानियों को दूर करने के लिए, आपका व्यापार ठीक चले इसलिए। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है आज के दिन। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।